एक से घटना हाथियों की हमने की मिली है। जब से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ था आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, तो टीम भी गठित हुई थी, उसकी जांच चल रही थी। लगातार 29, 30, 31 ऐसी जानकारी मिली कि 10 हाथी मृत पाए गए हैं। आपने भी देखा है कि जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आज कलम लाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे ACS वगैरह पूरे अधिकारी के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। उसको देख रहा हूँ किस प्रकार से कैसे क्या है, और जांच रिपोर्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष रखेंगे। जो भी उसमें पहलू पे बात होगी तो बताएंगे सब लोग। सर, आज हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हाँ, दुखद घटना है। परिवारों के साथ संवेदना है। सरकार की जो मदद है वो भी हम जा रहे हैं देने के लिए। हम बिल्कुल उस पर भी लगे हुए हैं। सुबह से मैं भी थोड़ा लेट आया हूँ। हमारे जो ACS है वो भी वहाँ पे गए थे। मैं भी उनके परिवार में जाने वाला। सर, अभी जैसे संभावना क्या है, मतलब इन 10 हाथियों की मौत कैसे हुई है? संभावना ऐसी है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गई है, 3-4 दिन के बाद जो आएगा वो सब आप लोगों की जानकारी में होगा। निश्चित रूप से हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। सर, अभी आगे क्या कदम उठाया जा रहा है? कदम है आज आए इसी के लिए। मुख्यमंत्री भी बिल्कुल सख्त तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को भी दिया है, और हम लोगों ने भी कहा है निश्चित रूप से एक एक पहलू पर जांच की जाएगी, और जो भी सामने आएगा वो आप सब लोगों के बीच। सर, कल एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे के द्वारा एक मतलब शिकायत NTCO को की गई है, जिसमें कहा गया कि अभी तक राज्य स्तरीय जो कमेटी, जांच कमेटी है, डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में गठित नहीं हुई है। सर, देखिए ऐसा है, पहले तो किसकी शिकायत क्या है वो बाद में करेंगे। पहले जो 10 हाथी मरे हैं इसकी जांच चल रही है, और शीघ्र आप लोगों को हम सब लोग बताएंगे। सर, जंगली हाथियों के हमले से आए दिन यहाँ पर लोग मरे, क्या चिंता का विषय है? सबको वह चिंता है, और हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सख्त तरीके से उन्होंने निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को, हम लोगों ने भी कहा, हम लोग भी लगे हुए। मैं भी कल तक यहाँ रुकने वाला हूँ, पूरे एक पहलू पर जाँच करने वाला। हाथी की सुरक्षा को लेकर